लेकिन फैक्टर थ्योरम की जो डेफिनेशन लिख लीजिए, इफ पी ऑफ एक्स लिखिएगा इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। देखिए फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम कब काम करेगी, जब आपका पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल से बड़ा होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, बाया क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, क्योंकि कांस्टेंट पे काम नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, वहां पे ये थ्योरम्स नहीं लगेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर देखो हम क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि अगर डिवाइजर x माइनस a मतलब पॉलिनोमियल कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में था उस टाइम पे, तब हम उसको डायरेक्ट जीरो पुट करके x की वैल्यू को रियल नंबर निकालते थे और उसको रिप्लेस कर देते थे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में, और वहां से जो आता था वो हमारा रिमाइंडर हो जाता था, है ना। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, अगर बेटा रिमाइंडर आपका जीरो आए, अगर बेटा रिमाइंडर आपका जीरो आए तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा जो दिया हुआ डिवाइजर है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। यही है आपकी फैक्टर थ्योरम, यही है आपकी फैक्टर थ्योरम। तो लिख लीजिए इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल is a polynomial of videos on रखी नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा बेटा, सिंपल डिग्री n greater than equal to 1 and a is any real number and a is any, प्रभात कुमार तिवारी वीडियो ऑन कर लीजिए, a is any, प्रभात कुमार तिवारी वीडियो ऑन कर लीजिए, जल्दी से जी मौर्य जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड ए इज एनी रियल नंबर देन उस टाइम पे। अब देखिए कंडीशंस जो है एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी हुई हैं, क्या है, पहला क्या है बोलता है कि अगर पहला है कि x minus a is a factor of the polynomial, कब होगा मेरे भाई ये, जब आपका polynomial में मैं real value put करूंगा उसकी value zero आ जाए तब होगा ये। और दूसरा केस क्या होगा, same to same, दूसरा केस क्या है, अगर आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा ही होगा, है ना। पी ऑफ ए इज जीरो वो कब होगा, इफ पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी कब, इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पी एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स। बताइए बेटा यहां पर समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। देखो डेफिनेशन को बड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बड़ा जरूरी है, अगर गड़बड़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा वो। एन ग्रेटर देन वन क्यों है, क्योंकि डिग्री वन होनी ही चाहिए उसकी, ठीक है। अगर आप बोलेंगे सर कॉन्स्टेंट पे लगा देते हैं, जीरो पे लगा देते हैं, वहां पे फैक्टर थ्योरम नहीं चलेगी बेटा। समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि वहां पे वेरिएबल काम ही नहीं कर रहा है ढंग से। x रेस टू पावर जीरो पुट करेंगे वो तो वन ही आएगा हमेशा, x की जगह पांच पुट करो, छह पुट करो, जीरो के अलावा कुछ मर्जी पुट कर दो वन ही तो आएगा, है ना। तो इसी के साथ आप एग्जाम्पल 11 देखेंगे, और आज का जो होमवर्क रहेगा आपका बेटा वो रहेगा एक्सरसाइज 2.4, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 2.4 आपका होमवर्क रहेगा आज का बेटा। पार्थ ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री यानी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब पॉलिनोमियल होगा कौन सा, या तो लीनियर हो, या तो क्वाड्रेटिक हो, या तो बाय क्वाड्रेटिक हो बेटा, या तो क्यूबिक हो, है ना। एंड ए इज एनी रियल नंबर,
ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका, जैसे मैं अभी एग्जांपल करवाऊंगा तो आपने प्रॉपर सीखना है एग्जांपल से। लिखिए ये एग्जांपल नंबर 11 है एनसीईआरटी की, एग्जामिन वेदर एक्स प्लस टू, हमको ये चेक करना है कि एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ, एक्स प्लस टू ये जल्दी से मुझे बताएंगे आप, इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, है ना, इसका चेक करेंगे। और बाद में टू एक्स प्लस फोर, दो अलग अलग पॉलिनोमियल आपको दे रखे हैं, ठीक है, दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं। अब आपने चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों की दोनों का फैक्टर है या नहीं है। जी जी बेटा खुशप्रीत, वो सुबह वाली क्लास का होमवर्क था, अब ये इवनिंग वाला है। आप लोगों के जज्बे को देखकर, थारा भाई जोगिंदर के जज्बे को देखकर 2.4 एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी बेटा। जल्दी से मौर्या जी, ध्यान कहाँ है मौर्या जी? आई नो एवरीथिंग, डोंट वरी, आई नो एवरीथिंग, ध्यान यही रखना है आपने। अब देखिएगा x प्लस टू डिवाइजर है ना, मैं बात कर रहा था ए की, ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे थे ए की। मकसूद अहमद, वरदान रावत, आदित्य झा, प्रभात कुमार तिवारी, बेटा वीडियोस ऑन कर लीजिए अपनी, जल्दी से वीडियोस ऑन कर लीजिए। हाँ वीडियो ऑन करके ही रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ, अगर मैं पहला केस देखूंगा, ध्यान से देखना, पहला केस देखूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और ये जो एक्स प्लस टू है मैंने इसको जी ऑफ एक्स मान लिया, मतलब ये डिवाइजर है ना। अब ये लीनियर फॉर्म में है कि नहीं है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, हमने सुबह सीखा था कि एक्स माइनस ए की फॉर्म में हो तो डायरेक्ट रिमाइंडर निकाला जा सकता है वहां से। अब यहां से अगर आपने देखा तो एक्स प्लस टू को जब आप जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टू आएगी कि नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी कि नहीं आएगी। अब वही वैल्यू, अब हमने बात करी कि एक्स को रिप्लेस करना है ए के साथ, ए कोई आपका रियल नंबर है मेरे भाई, माइनस टू ही तो रियल नंबर है आपका, समझे कि नहीं समझे? तो बेटा पी ऑफ माइनस टू कितना आएगा, माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का एट आएगा, जमा का 12 आएगा, माइनस का 10 प्लस का 6 आएगा। सॉल्व करिए जरा, माइनस एट प्लस 12 कितना, 4, 4 माइनस 10, माइनस 6 प्लस 6 0। देखिए आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू एक क्रिटिकल पॉइंट पे, माइनस टू पॉइंट पे, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एक पॉइंट पे 0 आ गई, मतलब जो दिया हुआ पॉइंट होगा वो इसका फैक्टर होगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू इज, प्रभात कुमार तिवारी ठीक है, देयर फोर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स। इसी तरीके से अगर दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्या दे रखा है आपको, टू एक्स प्लस फोर, वहां पे एक्स की वैल्यू हमने अगेन क्या पुट करनी है बेटा, ये अगेन मैंने पी ऑफ एक्स मान लिया, टू एक्स प्लस फोर। अनुराग मौर्य वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा, अनुराग मौर्य, वरदान रावत, आदित्य झा, मकसूद अहमद, अनुराग मौर्य, वरदान रावत, आदित्य झा, खुशप्रीत सिंह, वीडियोस ऑन कर लीजिए अपनी, सिंपल गरेवाल की तो ऑन है। शशिकांत मिश्रा बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए, वंश फोगाट, शशिकांत मिश्रा बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी, शशांक प्रसाद, शशांक प्रसाद जल्दी से, डोंट वरी, आपसे पहाड़े भी सुन सकता हूं मैं लाइव क्लास में, डोंट वरी, फॉर्मूले सेशन भी हो सकता है, लाइव सेशन हो सकता है, तो टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेने आपने, ठीक है। टेंशन का काम है होना और आपका काम है टेंशन को लेना और खत्म करना उसको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर मेरे भाई आप एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करोगे तो ये बनेगा पी ऑफ माइनस टू विल बी इक्वल टू माइनस का फोर प्लस का फोर, और ये कट जाएंगे, रिमाइंडर ये जीरो आ गया रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो डायरेक्ट ही आपका आंसर क्या होगा कि जो दिया हुआ पॉलिनोमियल, दिया हुआ डिवाइजर है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा।
इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, बहुत बढ़िया। सॉरी इसी बेटा इसी तरीके से आप एग्जाम्पल 12 करेंगे एंड एग्जाम्पल 13 करेंगे, एग्जाम्पल 12 करेंगे एंड एग्जाम्पल 13 करेंगे इसी तरीके से आप। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाई फैक्टर थ्योरम, बाई सप्लीटिंग द मिडल टर्म जो है इसका आप आंसर आई होप आप निकाल लेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जिसको नहीं आता है बाई सप्लीटिंग द मिडल टर्म। अनुराग मोरिया होल चैप्टर डन, चलिए बहुत बढ़िया, अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट वीडियो आपकी अभी भी ऑफ नहीं है अभी, बहुत बढ़िया। मकसूद अहमद सर कोई फिजिक्स नहीं टीच कराता है, शशिकांत जी बात करेंगे इसके बारे में बाद में, डोंट वरी डोंट वरी मौर्या। कुशप्रीत सिंह, कुशप्रीत सिंह चलिए खुद को बेटा अनम्यूट करो और आपसे एक फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं जल्दी से, आपने मुझे बताना है कुशप्रीत बेटा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? बेटा कुशप्रीत गूगल के बिना, गूगल की सहायता के बिना आंसर बताना है बेटा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जहां पे आपके तीन तीन वेरिएबल काम कर रही हैं, इसका आंसर क्या होगा? खुद को बेटा अनम्यूट करो। कुशप्रीत सिंह कुशप्रीत सिंह अब तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे सर हम तो कान से सुनाई ही नहीं देता है हमको तो, हाँ अरे भाई लिखना नहीं है, कुछ बच्चे लिख भी सकते हैं कि कुशप्रीत बोल रहा है सर इंटरनेट स्लो बड़ा चल रहा है, फॉर्मूला गूगल से कॉपी नहीं हो पा रहा है। कुशप्रीत सिंह इसको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कुशप्रीत बेटा सिंपल सा तो फॉर्मूला पूछा, एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस बी क्या होगा, अभी देखा सिंपल से पूछू एकदम से बता देगी सिंपल। चलिए अंशुल यादव के पास चलते हैं, अंशुल यादव खुद को बेटा अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस बी क्या होगा। अंशुल यादव यस सर, हाँ जी बताइए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए। ए प्लस बी इन ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी ब्रैकेट में इनटू एक्स, अच्छा ए प्लस बी इनटू एक्स, आगे क्या लिखूं बेटा? ए माइनस बी, आगे क्या लिखूं? ए माइनस बी, यस सर ऐसे ए माइनस बी ऐसे लिख दूं क्या? नो सर, मतलब माइनस ए बी, माइनस ए बी, अच्छा माइनस ए बी ऐसे मल्टीप्लाई में, अच्छा मौर्य जी प्रभात, अच्छा मौर्य जी खुद को अनम्यूट कीजिए बेटा, मौर्य जी खुद को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए किसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। 12 x मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b प्लस ab, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इनटू x प्लस ab, बताइए अब ठीक है कि नहीं है? मकसूद अहमद बेटा ठीक लिखा मैंने? मकसूद अहमद सिंपल बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लेना ये, ठीक है? फॉर्मूला सेशन कभी भी कहीं भी आ सकता है, सुबह की क्लास में इवनिंग की क्लास में कहीं भी कभी भी मिल सकता है आपको। प्रभात कुमार तिवारी बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। खारा भाई जोगिंदर ऐसे फॉर्मूले याद करेगा, ऐसे फॉर्मूले याद करेगा किसी ने सोची ना होगी। चलिए 2.3 जो है वो आप खुद करेंगे, एग्जाम्पल 13 आप खुद करेंगे, एग्जाम्पल 14 जल्दी से क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, एग्जाम्पल 14 बोलता है कि फैक्टराइज
एग्जाम्पल 14 में पूछा गया है फैक्टराइज, ध्यान से सुनेगा, वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स। जल्दी से इसका आंसर बताइए और मैं आपको फिर धमाकेदार क्वेश्चन देता हूँ दो तीन ज्यादा करने के लिए कंपटीशन वाले एनसीईआरटी के बिना। जल्दी से बेटा इसका आंसर मुझे बताइए कि इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, इसकी जीरोस क्या क्या आएंगी। चलो फैक्टराइज कर दो जल्दी से बेटा, जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। चलिए बहुत खूब। कुशप्रीत सिंह बेटा आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकती है, दैट्स व्हाई माय स्क्रीन इज नॉट अवेलेबल ऑन योर पीसी और मोबाइल फोन। तो बेटा फिर से वही, बाय सेपरेटिंग द मिडल टर्म, अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ बाय सेपरेटिंग द मिडल टर्म, जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा है हमसे, बाय सेपरेटिंग द मिडल टर्म, बाय सेपरेटिंग द मिडल टर्म, शशिकांत मिश्रा, मिश्रा जी वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री। अच्छा जी ठीक है, फिर से वही बात मकसूद, फिर से वही बात कि ये आपका दूल्हा है, ये आपकी दुल्हन है। अगेन देखिए शादियों का सीजन है, और नहीं ये हमारी दुल्हन है, थोड़ी सी गलती हो गई, ये हमारी दुल्हन है, ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं, क्योंकि रिश्तेदारी बड़ी फैली हुई है। मौर्या जी अपने आंसर को दोबारा चेक कीजिए जो आपने सेंड किया हुआ है। मौर्या जी अपने आंसर को बेटा दोबारा चेक करो, क्या आपने सही लिखा है आंसर, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, चेक कीजिए जरा। ठीक है बेटा, हाँ आंसर चेक करो अनुराग मौर्या। चलिए चेक करते हैं। तो अगेन हमने क्या किया भैया, बारात के लिए निकल पड़े हैं, मतलब वाई स्क्वायर इंटू सिक्स कर दो। बारात में निकले हैं तो दूल्हा और रिश्तेदार सारे जाएंगे इकट्ठे होके, धूम धड़ाका एकदम ट्रक बक भर के, बढ़िया ट्रैक्टर के ऊपर जाएंगे शादी के लिए बारात में। वाई स्क्वायर इंटू सिक्स किया तो सिक्स वाई स्क्वायर बना। अब दुल्हन रानी घर आ चुकी है, माइनस का फाइव वाई घर आ चुका है, इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, ससुराल में भी अच्छी खासी बने और मायके वालों के साथ भी अच्छी खासी, मतलब बोलते हैं ना वो, अच्छी खासी बातचीत बनी रहे, बातचीत। अब देखिए कैसे तोड़ूंगा, माइनस का है मतलब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कटाना पड़ेगा, टू वाई। अब यहां पे जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस का सिक्स वाई स्क्वायर बनना चाहिए, मतलब माइनस का टू वाई माइनस का थ्री वाई आपका माइनस का फाइव वाई बनेगा। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन करने पर ये क्या बनेगा, सिक्स वाई स्क्वायर। थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखिए, ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स। अब फिर से वही बात, मकसूद के चाचा की शादी हो गई, अब चाचा जी अलग हो गए और मकसूद की फैमिली अलग हो गई। देखिए ध्यान से सुनेगा मेरी बात, मकसूद बेटा सुनाई दे रहा है आपको, लद्दाख की पहाड़ियों में बर्फीले तूफानों में, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं मकसूद, चैट में आप मुझे बता सकते हैं। दोनों के बीच में कॉमन वाई आया, बचा क्या वाई माइनस टू, यहां पे कॉमन थ्री आया, बचा क्या वाई माइनस टू। अगेन दोनों के बीच में फिर से कॉमन, देखिए दोनों टर्म्स के बीच में वाई माइनस टू आ रहा है। मौर्य जी आपका आंसर सही है कि गलत है, मुझे ये बताइए। अनुराग मौर्य मौर्य जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप माइनस फाइव वाई को, आप ही का डाउट ले रहा हूं जो आपने मुझे भेज रखा है, अगर मैं लिखूंगा माइनस सिक्स वाई प्लस वाई, ध्यान से सुनिएगा, माइनस सिक्स वाई प्लस वाई, तो मेरे भाई ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो आपका सही आंसर आएगा, बट जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा माइनस का सिक्स वाई स्क्वायर, बट मुझे तो प्लस का सिक्स वाई स्क्वायर चाहिए, मुझे तो प्लस का सिक्स वाई स्क्वायर चाहिए। इस बात को जरा गौर फरमाइएगा, इसलिए ये जो एंड वाला है ये गलत है। ठीक है, जो आपने लिखा है वो गलत है, क्योंकि आपको सिक्स वाई स्क्वायर चाहिए, प्लस वाला माइनस वाला नहीं चाहिए। इज इट क्लियर बेटा?
मौर्य जी, समझ आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखेंगे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to power 2004 माइनस 2 raised to power 2003 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 2004 प्लस 2 raised to the power 2003। मुझे इसका आंसर चाहिए अभी। मौर्या बहुत बढ़िया बेटा, मिडल टर्म को -6y + y से तोड़ दिया, नहीं कर सकते वैसे। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है विजेंद्र यादव, बहुत बढ़िया विजेंद्र यादव, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जल्दी से बढ़िया, और चैट बॉक्स से पूरा खचाखच भरता हुआ। शशिकांत वन नहीं आएगा, शशिकांत वन नहीं आएगा, वन कैसे आएगा बेटा? जल्दी से देखेंगे ऊपर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास। ऊपर कॉमन आ रहा है 2 raised to power 2003 क्योंकि 2 raised to power 004 को लिख सकते हैं आप 2 raised to power 2003 इंटू 2 raised to power 1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं बड़े आराम से। अब दोनों में जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 - 1 आएगा, नीचे भी सेम कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, इसको निकाल लीजिए, यहाँ पे 2 + 1 आएगा, ये उड़ गए और आपके पास आंसर आएगा 1/3। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक है। तो एग्जाम्पल 15 भी आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 15 भी आप लोगों ने कर लेनी है, एग्जाम्पल आपने सारे के सारे कर लेने हैं। हाँ बेटा, तभी तो मैंने डाला है चेक करने के लिए कि किस कौन कौन सा एक्टिव है, कौन कौन सा नहीं है। एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलेंगे और एग्जाम्पल आपने सारे के सारे कर लेने हैं, कुछ तो हमने डिस्कस कर लिए बेटा। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। मैं सीधे चल रहा हूं, मैं बेटा सीधे चल रहा हूं पार्ट नंबर 4 के ऊपर, पार्ट नंबर 4 के ऊपर। जल्दी से मुझे बताइए, आपका पार्ट नंबर 4 है आपके पास बेटा, पॉलिनोमियल दे रखा है x³ - x² - 2 + √2 × x + √2, और आपका जो डिवाइजर है उसको मैंने gx मान लिया, वो आपको दे रखा है x + 1। आप मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि सर ये हो सकता है या नहीं, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। जल्दी से आप मुझे बताएंगे बेटा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे क्या ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, जल्दी से। जल्दी आंसर नहीं आया अभी तक। सुखजीत, स्पाइडरमैन बाद में बन लियो सुखजीत आप, नॉट अ फैक्टर बेटा। एक्स प्लस वन को जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, रियल नंबर कितना आएगा, माइनस का वन आएगा। अब आप क्या करो, पी ऑफ -1 फाइंड करो, मतलब -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 × -1 + √2, इसको सॉल्व करो, देखो क्या जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा। जल्दी से मुझे बताएंगे आप, जल्दी से आप मुझे बताएंगे, और तब तक मैं आपकी अटेंडेंस का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, सबने अटेंडेंस लगानी है, तब तक आप मुझसे बातचीत भी करेंगे। नॉट अ फैक्टर, शशांक प्रसाद, अटेंडेंस का लिंक में शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से अटेंडेंस लगाएंगे आप। ये लीजिए, अटेंडेंस लगा लीजिए जल्दी से बेटा।
जल्दी से। प्रभात कुमार तिवारी, देखिए जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो माइनस वन का क्यूब करेंगे भैया, ये तो माइनस वन ही आएगा, ये तो माइनस का वन ही आएगा है ना। उसके बाद ये माइनस इंटू माइनस वन का स्क्वायर किया तो वन आया। उसके बाद अब देखिएगा ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये वाला माइनस का वन, ये वाला जो माइनस का वन है वो मल्टीप्लिकेशन में है। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका टू प्लस का टू, अगेन माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस का रूट टू प्लस रूट टू। ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना? अब देखिए ये क्या बना, माइनस का टू प्लस का टू प्लस का रूट टू प्लस रूट टू, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा टू रूट टू। बट टू रूट टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, टू रूट टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफोर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।